सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुर्गी पाल स्कीम पर कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार हो गई। मुल्की मईशत में इजाफे के लिए मुर्गी पाल स्कीम का मंसूबा कारामद साबित ना हुआ। मुर्गियां लेने वालों ने अंडे मार्केट में फरोख्त करने की बजाय घर में खाए, रिपोर्ट में यह बताया गया है। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? देखिए, ये रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था कि मुर्गी पाल स्कीम को जो है 2 साल कबल शुरू हुई थी और मैसा लाइफ का इस हवाले से आम खास सौंपा गया था, लेकिन मुल्की मईशत में इजाफे के लिए मुर्गी पाल स्कीम का मनसूबा कारामद साबित ना हो सका। मैसा पी एन पी मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन यूनिट की जानब से रिपोर्ट तैयार करके वजीर आला पंजाब को पेश की गई है और रिपोर्ट दुनिया न्यूज मौसूली, जिससे बताया गया कि मुर्गियां लेने वालों ने अंडे मार्केट में बेचने के बजाय एक माह के अंदर ही घर में खा लिए और मुर्गी पाल स्कीम के तहत कुछ लोगों ने मुर्गियों ने तो अंडे भी ना दिए और जो है मुर्गियां इस्तेमाल कर ली गई। और जो रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत से सस्ती मुर्गियां लेने वालों में 3% लोगों की मुर्गियां मर भी गई। 80% लोगों ने वजीर आजम की मुर्गी पाल स्कीम को सराहा है जबकि 90% लोगों ने मुर्गियां मुर्गी पालने को तरजीह दी, जबकि 80% वो लोग हैं जिन्होंने मुर्गियां जो है अंडे ना बल्कि घरेलू इस्तेमाल में लाया गया है, अपने इस्तेमाल करते रहे और 1900 लोगों ने मुर्गी पाल स्कीम को दोबारा शुरू करने से इनकार किया है। 2 माली साल में 8,50,000 मुर्गियां शहरियों में जानी थी, लेकिन 7 लाख रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, वजीर आला पंजाब को भी पेश की गई है। शुक्रिया हसन रजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।